रहीम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है आज मैं आपके साथ प्री ब्राइडल स्किन के रूटीन शेयर करूँगी स्पेशल फ़ॉर ड्राई स्किन वैसे तो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई हैं ऑयली स्किन वालों के लिए नॉर्मल स्किन वालों के लिए लेकिन काफ़ी लड़कियाँ बोल रही थी टिकटॉक पर कि आप ड्राई स्किन वालों के लिए भी कुछ बताएं मेरी शादी होने वाली है मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा दाने हैं और मेरी ड्राई स्किन है तो उसको कैसे फेस करें उसको कैसे ठीक तो मैंने सोचा क्यों ना आज ड्राई स्किन वालों के लिए वीडियो बनाई जाए जिनकी शादियाँ होने वाली हैं जिन के घर में फंक्शन है या जिनके फेस पर एक्नी है और उनकी ड्राई स्किन है तो स्पेशली वीडियो में लाई हूँ उन सब के लिए तो अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोज़ आप लोग मिस ना कर सकें और वीडियो को मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है यहाँ पर मैं मॉर्निंग स्किन केयर नाइट स्किन केयर और मैं वीकली स्किन केयर रूटीन आप सबके साथ शेयर करूंगी तो वीडियो को फुल देखिएगा विदाउट स्किप और सारे प्रोडक्ट जितने भी मैं यूज़ कर रही हूँ इस वीडियो में सारे अफोर्डेबल हैं रीजनेबल है आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे चलिए जी वीडियो स्टार्ट करें there. सबसे पहले आ जाती है जी हमारी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन तो जिनकी ड्राई स्किन है उनके फेस पर अगर एक्नी है तो वो कौन सा फ़ेस वॉश यूज़ करें ये भी एक सवाल है तो मेरे पास है जी एक्नी क्लियर का ये मिसलिन का फेस वॉश ये फेशियल फेस वॉश है यानी कि फॉर्मिंग फेस वॉश है इससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आपकी स्किन से ऑयल भी कंट्रोल होगा आपकी एक्नी है तो एक्नी के लिए स्पेशल ये बहुत अच्छा फेस वॉश है मैं खुद इसे यूज़ करती हूँ मेरे फेस पर एक्नी हो रही है तो मैं इसे खुद यूज़ कर रही हूँ आजकल तो ये काफ़ी अच्छा फेस वॉश है ड्राइनेस नहीं हो ठीक है उसके बाद अगर आप ये वाला यूज़ नहीं करना चाहते तो आप क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश यूज़ कर सकते हो ये भी फॉर्मिंग फेस वॉश है ऑयल कंट्रोल करता है और आपकी स्किन से ओपन पोर्स जितने भी हैं उनको क्लियर लार्ज ओपन पोर्स है तो उनको श्रिंक करने के लिए पोर्स को बंद करने के लिए ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा है रीज़नेबल प्राइस में आपको ईजीली मार्केट से मिल जाएगा ओपन पोर्स के लिए स्पेशली है और ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं मतलब ड्राई स्किन वाले तो यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल स्किन वाले या ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं ये दोनों फेस वॉश मेरे फेवरेट में

करने के बाद आपने डायरेक्ट इसे लगाना है स्किन एक तो ड्राइनेस खत्म हो जाएगी डेली अगर आप यूज़ करेंगे ये सारे प्रोडक्ट्स आपने डेली यूज करने हैं ठीक है एक्ने भी खत्म होगी ड्राइनेस भी खत्म होगी और आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगी हाईली मॉइस्चराइज रहेगी ठीक है तो आपने इसे जरूर ट्राई करना है मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में उसके बाद ही हमारे पास आ जाता है डे स्किन केयर रूटीन मतलब मॉर्निंग तो हो गया अब डे में हम क्या लगाएं तो डे के लिए मैं आप सबके साथ एक सीरम शेयर करूँगी कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम एलोवेरा जेल ले लेंगे आपने घर वाली एलोवेरा जेल नहीं लेनी यानी कि जो पौधों में लगी होती है आपने वो नहीं लेनी, आपने बाजार से वा, बाजार वा लेनी है एलोवेरा जेल, ले एलो जेल हमारी स्मूथ बनाती है, करती है।, है। उसके बाद जी, हमने ले ली ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी चीज ये है ग्लाइसरीन ग्लाइसरीन के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं हमारी स्किन को मॉइस्चराइज बनाती है हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है मतलब जिनकी ड्राई स्किन होती है बल्कि छोटी सी पिंच ले लें और अपनी स्किन पर थोड़ा सा रब कर लें तो इतना ज़्यादा अच्छा शाइन भी आता है और आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी स्मूथ भी लगती है सॉफ्ट हो जाती है ठीक है तो इस तरह जी हमारा सीरम रेडी है और इस तरह आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि दोनों चीज़ें एक मिक्सचर बन जाए एक एक चीज़ बन जाए ठीक है हमने लग, मैं आप सबको लगा कर भी दिखा देती हूँ कितना अच्छा और इंस्टेंट आपको ऑब्जॉर्व भी कर देगी आपकी स्किन को आ, स्किन पर ठीक है और देखिएगा ये शाइन भी देते हैं ये जो सीरम मैंने आप सबके साथ बनाना शेयर किया है ये ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं लेकिन स्पेशल है ड्राई स्किन वालों के लिए ठीक है जिनकी एक्स्ट्रा सेंसिटिव ड्राई स्किन है तो ये वाला आ, सीरम आप लोग नाइट टाइम भी यूज़ करें आफ्टर फेस वाश भी यूज़ करें जब भी आप फेस वाश करें उसके बाद ये वाला सीरम लगाएं बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपको इंस्टेंट शाइन भी होगी आपकी स्किन सुपर सॉफ्ट हो जाएगी सुपर मॉइस्चराइज हो जाएगी ठीक है तो ये वाला सीरम जरूर ट्राई करें बहुत अफोर्डेबल है और उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं नाइट स्किन केयर रूटीन तो फेस वाशेज़ मैंने आपको ऑलरेडी जो मैं हम मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में फॉलो कर रहे हैं फेस वाशिज़ को उन्हीं को हम नाइट स्किन केयर रूटीन में फॉलो करेंगे अगर आपकी एक्नी है तो ठीक है एक्नी नहीं है तो आप लोग साबुन से भी फेस वॉश कर सकते हैं लेकिन स्पेशल जिनके ड्राई स्किन पर एक्नी है तो ये वाले फेस वॉश यूज़ करें उसके बाद जो मैंने अभी सीरम आप सबके साथ शेयर किया है बनाना ये आपने लगाना है इंस्टेंट आपकी स्किन में मॉइस्चराइज हो जाएगा सुपर हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को और सुपरली आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा ठीक है ये मॉइस्चराइजर आपने लगाना है मिनटी से छोड़ देना है ताकि आपकी स्किन में अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए और आपकी स्किन को सॉफ्ट भी बना दे ड्राइनेस बिल्कुल खत्म कर सकते करता है आप मेकअप से पहले भी ये जो मैंने सीरम बनाया है ये आप यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छा है उसके बाद ही जब हमारा सीरम खुश्क हो जाए यानी ड्राई हो हो जाए हमारी स्किन में ठीक है उसके बाद हमने क्या करना है पोन्स का लाइट मॉइस्चराइज़र यूज करना है नॉन ग्रीसी ऑयल फ्री है आपकी स्किन में बहुत अच्छा अच्छी तरह ऑब्सॉर्व हो जाएगा ग्लो देता है नाइट स्किन केयर में आप इसे ऐड कर सकते हो हैंड्स पर फूट्स पर इवन, और, इवन अपने फेस पर भी इसे यूज करो बहुत अच्छा इसमें वाइटमिन ई भी है और ग्लाइसरीन भी है जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देता है और आपकी स्किन को बहुत ही लाइट वेटेड है ये पोन्स का और रीजनेबल प्राइस में थ्री टी रुपीज में आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा उसके बाद जो लिप्स हमारे ड्राई हो रह जाते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आप सबके साथ फ्रूटी लिप बाम शेयर करने वाली हूँ फ्रूट लिप बाम है पीच का ये मेरे शेड है मेरे पास पीच का इसके अलावा इसमें काफ़ी ज्यादा और भी फ्लेवर्स मार्केट में आते हैं रीजनेबल प्राइस में आपको से मिल जाएगा ठीक है इसके अलावा मैंने सारे जितने भी प्रोडक्ट्स अपने वीडियो में शेयर किए हैं इनके इनकी आला इनकी डिटेल वीडियो बनाई हुई है रिव्यू दिए हुए हैं अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है आप देख सकते हो ठीक है काफ़ी अच्छा ये लिप बाम है रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा और खुशबू इसकी बहुत अच्छी है आपके लिप्स ड्राई नहीं रहते आपकी स्किन आपके लिप्स जितने भी काले हो जाते हैं ब्लैक लिप्स हो जाते हैं उनको पिंक लिप्स करने के लिए ये काफी अच्छा है तो आप लोग जरूर इसको ट्राई करें ठीक है ये थी जी नाइट स्किन के रूटीन इसको जरूर फॉलो करें और आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है वीकली स्किन के रूटीन में हम क्या लगाएं जिससे हमारी स्किन पर एक्नी है तो दाने हैं तो वो खत्म हो जाए ठीक है उसके लिए जी मेरे पास है मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी काफ़ी अच्छी है ये जो मेरे पास ओरिजिनल मुल्तानी मिट्टी है ना वही मैंने ली हुई है छोटे छोटे पीस किए हुए हैं मैंने ग्रैंड किया हुआ है उसके बाद जी हम एलोवेरा जेल ऐड करेंगे जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है स्मूथ बनाती है सॉफ्ट बनाती है वन टेबल स्पून में ले लेती हूँ भर के ठीक है उसके बाद थोड़ा सा हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे वन टेबल स्पून निकल भी आए अच्छा जी निकल आई है तो अच्छे से हमने मिक्स करना है इसको देख सकते हैं आप लोग मैंने इसके अलावा ऑयली स्किन वालों के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मुल्तानी मिट्टी में क्या चीज़ मिलाए जिससे हमारी ऑयली स्किन भी खत्म हो जाए तो वो अगर आप दो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है उसके बाद जी हमने थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करना है ताकि जो हमारी मुल्तानी मिट्टी है ना उसका मिक्सचर अच्छे से बन जाए देखें जी मैंने मुल्तानी मिट्टी हाल ली है तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम ले आपने अच्छे से पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को आप वीकली यूज़ कर सकते हो डेली बेसिस पर भी यूज़ करते सकते हो रात को सोने से पहले लगाओगे ना तो ड्राइनेस भी खत्म हो जाएगी ठीक है क्योंकि इसमें हमने एलोवेरा जेल भी ऐड की हुई है जो कि हमारी ड्राइनेस को खत्म करती है पानी भी है और मुल्तानी

ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल पर को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए ठीक है और मुझे इंस्टाग्राम पर डी एम भी कर सकते हैं अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तब तक ये रखिए अपना बहुत सारा हेर अल्लाह हाफिज़